हेलो दोस्तों, मैंने गलवान वैली जब क्लैश हो रहा था हमारा इंडिया और चाइना का गलवान वैली में, तब मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से इंडिया ने गलवान वैली के रिप्लाई में, गलवान वैली में जो क्लैशेस हो रहे हैं उसके रिप्लाई में चाइना को एक संदेश देने के लिए उनकी जो रिटेल वेबसाइट्स हैं इंडिया में जो ऑपरेटेड थी, जैसे कि अली बाबा, अली एक्सप्रेस, टॉम टॉप और जो दूसरे रिटेल वेबसाइट्स हैं उनको और कई सारे दूसरे ऐप्स को बैन किया था। तो मैंने जो डिस्कस किया था वो मैंने डिस्कस किया था कि जो आपके अली बाबा हैं, अली एक्सप्रेस है और बैंक बैंक गुड है, टॉम टॉप है, जो अदर रिटेल वेबसाइट्स है जहाँ से आप लोग इंटरनेशनल इंपोर्ट करते थे, अपने लिए आइटम इंपोर्ट करते थे, उन वेबसाइट्स को उस टाइम पे बैन कर दिया गया था ड्यू टू गलवान वैली क्लैश इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो हो रहा था। 43 और ऐप्स को बैन कर दिया है जिसमें कि एक मेजर ऐप। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया ने जो हमारे क्लैशेस थे वहाँ पे, जो हमारे स्टैंड ऑफ था वो धीरे धीरे डीएस्केलेट हुआ है और सिचुएशंस कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठंडी हुई है इंडिया और चाइना के बीच में। तो उसके चलते इंडिया ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें, क्योंकि उस टाइम पे जो था आपका, ये जो वेबसाइट्स हैं, बैंक गुड हो गया, आपके अली बाबा हो गया, आपका अली एक्सप्रेस हो गया, ये इंडिया में खुल ही नहीं रही थी विदाउट यूजिंग एनी वीपीएन। बट अब क्या हो रहा है कि अब ये वेबसाइट्स खुल रही हैं, बट कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि मेरे का वीडियो पे, पुराने वाले वीडियो पे कमेंट करते हैं कि हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या मेरा माल कस्टम में रुक तो नहीं जाएगा, क्या मैं चाइना से इंपोर्ट करूँगा तो क्या कस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी। तो वो मैं इस वीडियो में आपको पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि अब क्या सिचुएशन है और क्या अब आप चाइना से वाया बैंक गुड, अली एक्सप्रेस और दूसरे रिटेल वेबसाइट से वहाँ से क्या अब आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर और आप सभी देख रहे हैं मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में और कस्टम क्लियरेंस के बारे में। मैं यहाँ दिल्ली में एक सीएचए हूँ, यानी कस्टम हाउस एजेंट, और मैं रेगुलरली एंगेज रहता हूँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में दिल्ली आईजे एयरपोर्ट पर और दूसरे बाकी दो पोर्ट्स पर भी दिल्ली के। तो मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा उस पर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो दूंगा वो प्रैक्टिकल होगा और प्रूवन होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है, क्या अब आप इन वेबसाइट से, यानी कि जो अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है और जो दूसरे रिटेल वेबसाइट्स हैं चाइना बेस्ड वेबसाइट से, बेसिकली वहाँ से अब आप इम्पोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो देखिए, सिचुएशन उस टाइम पे ये थी कि उस टाइम पे तो ये वेबसाइट्स खुली नहीं थे, उस टाइम पे सारे की सारी ट्रांजेक्शन जो थी इन वेबसाइट्स के थ्रू बंद हो गई थी। बट अब मैंने देखा है कि मैंने अलीबाबा भी खोला, मैंने टॉम टॉप भी खोला, मैंने गियर बेस्ट भी खोला, मैंने बैंगोड भी खोला, अली एक्सप्रेस भी खोला, तो सारी वेबसाइट्स अब खुल रही हैं। अब देखिए, हम जो इंपोर्ट करते हैं वो करते हैं कमर्शियल लेवल पे, और मेरे जो, हाँ बिल्कुल, मेरे जो सारे इंपोर्ट हैं मोस्टली इंपोर्ट्स मेरे चाइना से ही आते हैं। चाइना के मतलब 50% अराउंड मेरा जो सारा इंपोर्ट होते हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। कमर्शियल लेवल पे बड़े बड़े इंपोर्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट में होता है, दूसरे ड्राई पोर्ट्स में होता है इंडिया दिल्ली के, और इंडिया के दूसरे पोर्ट्स पर भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो चाइना से बिल्कुल अभी इस टाइम पे इंपोर्ट शुरू हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया और चाइना के बीच में सारा ट्रेड चल रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, कोई दिक्कत नहीं आ रही उसमें। अब बात करते हैं इन वेबसाइट्स की, इन वेबसाइट से अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, अगर आप इन वेबसाइट से, यानी जो भी रिटेल वेबसाइट है चाइना की जिससे आप पहले इंपोर्ट करते थे, जो भी आप पर्सनल यूज़ के लिए टॉयज़, गिफ्ट्स या जो भी मंगवाते थे वहाँ से भी अब आप इंपोर्ट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। बट हाँ, कई लोग ये कह रहे थे कि हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, हमारा पेमेंट होल्ड हो रहा है, पेमेंट कहीं ना कहीं फेल हो रहा है हमारा। तो देखिए, मैं पर्सनली फ्रेंकली बताऊँ तो हम इन वेबसाइट्स का यूज़ तो करते नहीं, क्योंकि ये रिटेल लेवल की वेबसाइट्स है। हम जो डील करते हैं वो करते हैं कमर्शियल, हम डायरेक्ट सप्लायर से, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो डायरेक्ट सप्लायर से डील करते हैं, फिर हम बाद में डायरेक्ट हमारे जो एजेंट होते हैं चाइना में वो सप्लायर से डील करके सारा माल चाइना से इंडिया आता है। बट इन वेबसाइट्स में क्या होता है कि इन वेबसाइट्स में कई सारे मिडलमैन होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, तो इस तरह इन वेबसाइट्स में सारा मोस्टली जो रिटेल का होता है, छोटा छोटा आइटम आपका 2,000 रुपये का, 4,000 रुपये का, 10,000 रुपये का जो आइटम है वो इंपोर्ट करते हैं जनरली लोग, पर्सनल यूज़ के लिए या किसी को गिफ्ट वगैरह देने के लिए या जिसके लिए भी करते हैं। तो इम्पोर्ट तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब ये पेमेंट का इशू है, ये तो मुझे नहीं पता कि पेमेंट का क्या इशू चल रहा है, क्योंकि हमारी रेमिटेंसेस तो जाती हैं ओवरसीज़ में, चाइना में रेगुलर रेमिटेंसेस होती हैं। रेमिटेंस मतलब जो इंडिया से बाहर देश में पैसा भेजा जा रहा है उसको रेमिटेंस कहते हैं, या बाहर देश से जो इंडिया में आ रहा है उसको रेमिटेंस कहते हैं, इंटरनेशनल जो मनी ट्रांसफर होता है उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो रेमिटेंस हो रहा है, बट इन वेबसाइट्स में मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, हम कुछ खरीद नहीं पा रहे, क्या हमारा माल अगर हम खरीद लेते तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में अटक जाएगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी अटकेगा अगर आप वहाँ से खरीदते हैं, अगर आप मैनेज कर पाते हैं अपने पेमेंट को वहाँ पे, अगर आपका कोई भी, आप वहाँ से परचेस करते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाता है परचेस, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको इंपोर्ट करने में इंडिया में, इंडिया के किसी भी पार्ट में कस्टम्स के तरफ से या किसी और गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से। अब आप इंपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि अब कहीं ना कहीं इंडिया में चाइना की एफडीआईज भी अप्रूव हो रही हैं। पहले तो एफडीआईज को कम्प्लीटली रोक दिया गया था, बड़ी बड़ी एफडीआईज भी अप्रूव हो गई है, तो छोटी मोटी चीज़ है। तो
तो आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। बाकी मैं अगर बोलूँ पेमेंट्स को लेके कि पेमेंट आप किस तरीके से करते हैं, वहाँ पे अगर सप्लायर है और अगर आप सप्लायर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पाए और आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर पाए तो बेस्ट है। आप इम्पोर्ट कर सकते हैं वहाँ से, किसी सप्लायर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके। अगर आपको बीच में से इन वेबसाइट्स को हटाना है, वेबसाइट्स को बाईपास करते हुए अगर आप सप्लायर को कॉन्टैक्ट करके वहाँ से अपना माल मंगवा सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी। आप पेमेंट्स को लेके आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। उन अली एक्सप्रेस को, मे बी अली एक्सप्रेस या जो दूसरे वेबसाइट्स हैं उन्होंने मे बी पेमेंट को ब्लॉक कर रखा है इस टाइम पे इंडिया के थ्रू, जो पेमेंट्स जा रही है वहाँ पे। तो आप पेमेंट का कोई और जरिया देख लीजिए, पेपल वगैरह होता है इंटरनेशनल, जो पेपल से आप करते हैं, मुझे नहीं पता किस तरीके से होता है। तो अली एक्सप्रेस और जो दूसरे रिटेल वेबसाइट्स हैं उनमें जो पेमेंट इशू है, मुझे लगता है कि अभी पेमेंट का इस टाइम पे चल रहा होगा, क्योंकि उन्होंने मे बी पेमेंट को अभी भी ब्लॉक कर रखा होगा इंडिया से जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं पेमेंट्स को लेके। तो पेमेंट अगर आप मैनेज कर सकते हैं किसी और तरीके से, वाया रेमिटेंस या वाया इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या वाया पेपल वगैरह से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इम्पोर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। आप कोई भी आइटम इम्पोर्ट कर सकते हैं, हाँ कि वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड आइटम छोड़ के बाकी आप कोई भी आइटम पर्सनल यूज़ के लिए इम्पोर्ट कर सकते हैं। और कस्टम ड्यूटी की बात मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा, मुझे पता है कई लोग कस्टम ड्यूटी के बारे में पूछेंगे, तो कस्टम ड्यूटी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो, कि जो आप पर्सनल आइटम इम्पोर्ट करते हैं उसमें कस्टम ड्यूटी किस हिसाब से लगती है, क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है। क्योंकि हम भी एक्चुअली पर्सनल आइटम, छोटे छोटे आइटम तो इम्पोर्ट करते नहीं है, हमें बड़ा बड़ा कमर्शियल होता है, तो कमर्शियल लेवल पर सारी ड्यूटी फिक्स होती है सारे आइटम वाइज। अगर आप कुछ आइटम यूज़ करते इम्पोर्ट करते हैं प्लास्टिक का, तो उसमें अलग ड्यूटी होती है। अगर कुछ करते हैं स्टील का, कुछ करते हैं मशीनरी, तो सबकी अलग अलग ड्यूटी फिक्स्ड है। पर्सनल आइटम में क्या होता है कि एक 43 पॉइंट समथिंग% का ड्यूटी लगता है ओवरऑल, जो पुराना हिसाब किताब था। अभी मुझे नहीं पता कि नया रूल क्या चल रहा है, तो इस पर मैं एक फर्दर मे भी वीडियो बनाऊंगा कि पर्सनल आइटम पे किस कैटेगरी के कितने तक का आइटम आप फ्री में इम्पोर्ट कर सकते हैं, कितने तक के अमाउंट आपका एक्सीड करेगा तो आपको कितनी ड्यूटी लगेगी, अगर आप मोबाइल फ़ोन करते हैं तो आपको कितनी % ड्यूटी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि आप गियर बेस्ट, टॉमटॉप या दूसरे जो भी रिटेल चाइनीज़ वेबसाइट्स हैं वहाँ से आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, बेजी जगह के इम्पोर्ट कर सकते हैं, अगर वो ऑर्डर ले लेते हैं आपका और अगर आप किसी तरह उनको पेमेंट कर पाए तो। ये था टोटल वीडियो। आई होप कि आप सब लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो पर्सनल इम्पोर्ट करना चाहते हैं या करते हैं रेगुलरली उनसे शेयर कर सकते हैं। और मैं इसी तरह के वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ रिगार्डिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस और दूसरे अदर गवर्नमेंट कंप्लाइंसेज जो होते हैं इसके अराउंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।